एनडीए की सरकार में अफसरशाही से आम जनता की कौन कहे, खुद सत्ताधारी दल के नेता भी परेशान हैं। इसका खुलासा हाजीपुर में एक निजी होटल में हुए भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में हुआ। बैठक में पार्टी के नेताओं ने अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ दी। दरअसल यह बैठक पार्टी की मजबूती के लिए आयोजित की गई थी, मगर इस दौरान जब नेताओं को बोलने का मौका मिला तो नेताओं ने एक एक कर प्रशासन के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली। इस बैठक के मुख्य अतिथि और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार होने के बावजूद प्रशासन के अधिकारी पार्टी के नेताओं की भी बात नहीं सुनते, बल्कि नियम कानून का हवाला देकर टाल मटोल कर देते हैं। ऊपर से ठीक चल रहा है, लेकिन नीचे जो जमीनी सच्चाई है उसमें पलीता लगा रहे हैं पदाधिकारी, पूरा लगाम कसिए। और आपसे मेरी ज्यादा अपेक्षा है कि आप थोड़ा बैठक में बैठकर जो कैबिनेट की बैठक में हो, हम लोग के दर्द को वहां साझा करिए। धन्यवाद। कि एक बिना हेलमेट का पकड़ा के उसको छोड़ दीजिए तो उसी में नियम और कानून बघारने लगता है, और 50 पकड़ता है 10 का चालान काटता है, 25-40 से पैसा लेके छोड़ता है। तो अगर हम समय समय पर एसपी के साथ माननीय मंत्री जी, जिला के जो प्रभारी मंत्री होंगे, अगर एसपी को ये निर्देश नहीं देंगे, जिला अधिकारी को निर्देश नहीं देंगे, पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश नहीं देंगे, तो इसमें सुधार नहीं होने वाला है और बदनामी सरकार की हो रही है। विपक्ष के लोग का कहना है कि सरकार आपकी है, और सबसे ज्यादा बालू में हो, राशन में हो लूट आरजेडी के लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की जब बात आती है तो चाहे एसडीओ हो, डीएम हो, एसपी हो, सभी लोग मौन हो जाते हैं और हम ही लोग को नियम कानून पढ़ने लगते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष आग्रह होगा कि आप इस पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यकर्ताओं के मन को, मनोबल को बढ़ाने के लिए ये जो पंचायत जो पदाधिकारियों को अंकुश लगाने का काम करे। जिला कार्य समिति की बैठक को मंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित किया तो इस दौरान मंत्री ने इन सारी समस्याओं को गठबंधन की मजबूरी का नाम दे दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक भाजपा अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बनाती है, ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि 2015 की विधानसभा में जो गलतियां हुई उसे सबक लेने की जरूरत है। हमें पार्टी के नेतृत्व को यह बताने की जरूरत है कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की ताकत रखती है। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2015 की गलती को सुधारना, और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 2025 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सके। क्योंकि जब तक इतनी मजबूती नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो, और खासकर हाजीपुर के लोगों को तो भाई मैं सचेत करना भी चाहता हूं कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में आगे के चुनाव में फर्क होगा। जिस तरह सतीश जी को चुनाव में तीसरी शक्ति का सामना करना पड़ा, आगे आपको भी इस तीसरी शक्ति के लिए लड़ना होगा, क्योंकि अब तो स्वरूप दिख रहे हैं। लड़ाई किससे होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी कि आगे का किस स्वरूप में लड़ाई लड़े। और तीनों माननीय विधायक तो विशेष तौर पर हम कहेंगे इस पर ध्यान देना।